स्टार्टिंग ये समझ में आ रही है कि फ्लो मेरा रावण है, जैसे रावण के 10 सर और मेरे। बहुत सारे फ्लोज हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि गर्जे लाइक साफ में, तो कई शायद आर्टिस्ट भी हो, कई अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हो, हिप हॉप आर्टिस्ट, तो जो एक वॉइस नहीं होती है बिल्कुल भारी सी वॉइस बात है वो आ रही है। फिर तो क्या चाल दगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वेल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ एंड आज हम दोबारा से नेपॉप वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और हमारे व्यूअर की एक और फरमाइश हम ले रहे हैं जिनका नाम है मधु थापा। सो थापा जी, आज आपकी रिक्वेस्ट हमने ले ली है एंड आज हम आपको शाउट आउट दे रहे हैं कि ये जो गाना है ये उन्होंने हमें सजेस्ट करा था रिएक्शन करने के लिए, तो आज हम इस पे रिएक्ट करेंगे। गाने की मैं बात करूं तो गाइस, गाने का नाम है रावणा, ये डॉन जी का गाना है और उनकी जो एल्बम है प्रतिबिंब उससे ये गाना है, राइट। और प्रोड्यूस करा इसे SNJV ने, डायरेक्टेड बाय VEK एंड DOP है साम्राज्य श्रेष्ठा एंड सिनेमाटोग्राफी है प्रथम प्रजापति। सो गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी सी जानकारी मेरे भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। सो गाइस, बैक वंस अगेन ऑन नेपॉप। लीजिए, एक और रिक्वेस्ट हमने आपकी उठा ली है और इस बार हम डॉन जी के रावणा पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। गाइस, होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, तो चलिए रिएक्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी पॉडकास्ट रिलीज हो चुकी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, चेक इट आउट। चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना आप चलते हैं गाने की तरफ एंड रावणा जी। डॉन जी, ये डॉन जी है कि मैं डोंग है इनका नाम, क्योंकि जी अलग नहीं इनका नाम, डोंग 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 हो शायद, वैसे डॉन जी बोलने में मतलब डॉन जी बोलता हूं मैंने, हो सकता है। फ्लो मेरो जस्तो के रावणा, आतंक बसाउने कापना, कमजोर मुटुलाई जाबना, गर्जिन्छ र्याप चाहिँ सावना। फ्लो मेरो जस्तो के रावणा, आतंक बसाउने कापना, कमजोर मुटुलाई जाबना, गर्जिन्छ र्याप चाहिँ सावना। फ्लो मेरो फ्लो मेरो फ्लो मेरो कमजोर मुटुलाई जाबना, गर्जिन्छ 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 र्याप चाहिँ सावना। नक्कली बोली छ छन्द भर, यो भन्दा असली के बन्द भन, बन्द गर झारे र्याप सुन बन्द गर, नक्कली बोली छ छन्द भर, यो भन्दा असली के बन्द भन। फ्लो मेरो दस्टौके रावना, आतंक बर्साउने कापना, कमजोर मुटुलाई जाबना, गर्जिन्छ र्याप चाहिँ सावना। फ्लो मेरो दस्टौके रावना, आतंक बर्साउने कापना, कमजोर मुटुलाई जाबना, गर्जिन्छ। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यार फ्लो पे, क्योंकि देखिए नेपाली में है, हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, पर स्टार्टिंग ये समझ में आ रही है कि फ्लो मेरे रावण है, जैसे रावण के 10 सर है वैसे ही मेरे जो फ्लो के हैं वो अलग अलग वर्जन है, बहुत सारे फ्लोज हैं मेरे, बहुत सारे फ्लोज हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि गर्जे लाइक सावन है, जैसे सावन में बिजली गरजती है, उन्होंने राइम करवाया। पर भाई, मतलब डॉन जी से ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, मजा आता है इनके गाने सुनने में, सुनने में मजा आता है, एक अलग किंक होता है इनके गाने में, इनके ट्रैक्स में एक अलग किंक, और हिप हॉप को बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना लेके चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर जिसने जिसने ये कंपोज करी है, बीट पीछे टिंग 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 टिंग, वो साथ सैंपल वो बहुत सही, वो गजब आ रहा है। और उसके बाद डॉन जी ऐसा नहीं है कि फ्लो
रैप कर रहे हैं, उसके बाद पॉज आ रहा है, उसमें बीच में वो जो एक वॉइस नहीं होती है, बिल्कुल भारी सी वॉइस भर रहे हैं, वो आ रही है, फिर उसके बाद फिर अब उनका फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है। तो बहुत सही ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ फ्लो है। क्या नेपॉप आर्टिस्ट यार सारे बिल्कुल टू द कोर फॉलो करते हैं, कातिल है भाई, कातिल है बिल्कुल, सीधे जो अपना काम करते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है वो बिल्कुल हेडशॉट वाला काम करते हैं, हेडशॉट क्लीन है। डॉन जी तो यार मतलब मेरे हिसाब से डॉन ना ऐसे रैपर है जो मतलब जब भी उनके ट्रैक्स आप सुन लो कोई ट्रैक उठा के, और ये एल्बम तो भाई एक भाई कोई अपना व्यूअर है उसने प्रतिबिंब डाल रखा था इस पे रिएक्ट करो, मैंने सोचा कोई गाना होगा डॉन जी का, बाद में पता लगा पूरी एल्बम ही है। तब हमने ये उठाया मधु थापा को शॉर्ट आउट एक बार फिर से, और बहुत सही ट्रैक है गाइस, आपको एक बार सुनना चाहिए, जिन्होंने नहीं सुना गाइस सुना चाहिए, बहुत बढ़िया फ्लो, बहुत भयंकर है, और वो पूरा हुड दिखा रहे हैं अपना, पूरा गैंग टाइप का दोस्त है सारे जो जितने भी इसमें से, कई शायद आर्टिस्ट भी हो, कई अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हो हिप हॉप आर्टिस्ट, तो उसका पूरा एक बहुत अच्छा मिक्सर दिखा रखा है, बीट का ग्राइंड बहुत अच्छा कर रखा है, और ऊपर से उनका जो फ्लो जाता है वो तो जाता ही बहुत बढ़िया है, और वो हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते, कुछ नया लेके आते हैं, और इस बार भी भाई मजा आता, मतलब है। कातिल, मतलब कातिल कातिल। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, करते हैं और उसके बाद और एनर्जी तो ऐसे बढ़ते जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ आपका ना ऐसे जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है पर्टिकुलरली भाई पीछे। बहुत सही गाना है, और अगर नए रैपर्स को ये सीखना ना पॉजेस कैसे लेने हैं, और उसके बाद उस कैसे रिदम को कंटिन्यू कैसे करना है, वो आप इस ट्रैक से देखिए क्या पॉजेस लिए हैं भाई, बीट चल रही है पीछे पॉज ले रहे हैं, उसके बीच में एडलिप्स डाल रहे हैं, और फिर अपना रैप वहीं से शुरू कर दे रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बहुत बहुत गजब, क्लासिक काम करा हुआ है गाइस, बहुत ही बढ़िया काम करा, मतलब मजा आ गया गाइस ये गाना सुन के। और मधु थापा जी आपको शाउट आउट है दोबारा से, कि भाई आपने बहुत अच्छा गाना सजेस्ट करा और मजा आ गया इसको सुन के, जब हमने सुना था तब भी बहुत मजा आता, तो रिएक्ट हमें लग ही रहा था कि जब इस पर रिएक्ट करेंगे तो मजा आएगा बहुत सुनने में, और बहुत मजा, मतलब आप ये सोचिए जिस गाने की लैंग्वेज आप इतना ना समझ पा रहे हो, पर आप उस पर वाइब कर रहे हो, समझ लो गाने की क्वालिटी कितनी अच्छी है, वही आप लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, पर आप उसकी बीट्स पे, बैकग्राउंड म्यूजिक पे, उसके फ्लो पे, वीडियोग्राफी पे, एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स पे, और उसके फ्लो, डॉन जी का फ्लो तो तगड़ा है यार, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत तगड़ा, कोई इसमें कोई दोहरा नहीं, बहुत बहुत सही खेल रहे हैं, बहुत अच्छा, और इन्होंने यहाँ पे भी तीन चार जगह लास्ट में तो मिनी चॉपर ही लिया है वो बिल्कुल ना, और उससे पहले उन्होंने वो करा भाई, बहुत सही है। तो गाइस ये तो हमारा रिएक्शन था, हमें बहुत मजा आया, होप आपको, आपने अगर ये गाना नहीं सुना है तो डॉन जी के ऑफिशियल जाके, ये पूरी एल्बम है प्रतिबिंब करके, उसके गाने से जाके आप इस गाने को चेक करिए, और भी गानों को चेक करिए, और इस गाने का रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज एक हार्ट इमोजी ड्रॉप जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि अभी तक किसी की कोई भी नहीं कर रहा है यार, एक हार्ट इमोजी बहुत मेहनत लगती है गाइस, यार हमारा वीडियो बीच में हम रिव्यू करते हैं, पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको मजा आएगा, मजा आएगा आपको, और प्लीज आपको जैसा लगता है ना, प्लीज अच्छा लगता है तो हार्ट इमोजी जरूर डालिए गाइस, और कोई कुछ अच्छी बातें जरूर लिखिए, उससे मोटिवेशन मिलता है यार, काम करने का ना मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा, क्योंकि देखिए गाइस हम हर तरह का हिप हॉप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का, चाहे वो नेपॉप हो, डीएचएच हो, अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज हो, उन पे भी हम काम कर रहे हैं कि अब उनको भी लेके आए हम, तो
थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज थोड़ा प्यार बनाए रखिए गाइज, राइट? एंड पेशेंस रखिए, सेकंडली पेशेंस रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है गाइज, और नए गाने भी आते हैं उनको भी कवर करना है, रिक्वेस्टों को भी कवर करना है, किसी की भी रिक्वेस्ट हम छोड़ना नहीं चाहते, तो इसमें कई बार टाइम लग जाता है गाइज। ऐसा हो सकता है माइट भी आपने आज रिक्वेस्ट करी है और आपकी रिक्वेस्ट आ रही है 1 से 1.5 महीने बाद, ये हो सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा हम पे समय वर्कलोड है, तो प्लीज इस चीज को समझे। पर हम करेंगे जरूर, ऐसा होगा नहीं कि आएगा नहीं, आएगा जरूर, क्योंकि हम हर एक एक पे ध्यान देते हैं और हर एक कमेंट का भी रिप्लाई मिलता है, तो आप समझिए हमने वो नोट डाउन कर लिया है, राइट? सो प्लीज गाइज ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, हम लोग फिर वापस आएंगे एक नए रिएक्शन, एक तड़कते फड़कते रिएक्शन के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।